चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और हॉट अदाकारा यशिका कपूर की भोजपुरी फिल्म डमरू को पूरे बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में बम्पर ओपनिंग मिली है। जी हां, आपको बता दें कि डमरू को बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर पर जबरदस्त ओपनिंग देखी गई है। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में इस फिल्म को बेहद ज्यादा पसंद किया जा रहा है। फिल्म में खेसारी लाल यादव का उमदा एक्टिंग भोजपुरी दर्शकों को खासा ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ सभी लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की डमरू का बॉक्स ऑफिस का पहला दिन कलेक्शन क्या रहा। मीडिया में खबर आ रही है कि डमरू का फर्स्ट दिन का कलेक्शन करीब 10 लाख रुपए का रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि पहला दिन का कलेक्शन क्या रहा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से डमरू को पूरे बिहार में जबरदस्त ओपनिंग मिली है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 लाख का कलेक्शन बड़ा ही आसानी से फिल्म ने कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का जलवा अभी तक थमा नहीं है, क्योंकि पहले दिन के जिस हिसाब से कलेक्शन होगी तो दूसरे दिन भी कलेक्शन का जोरदार इजाफा होगा ही। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का इस फिल्म में पहली बार यशिका कपूर के साथ जोरदार रोमांस करते हुए भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिनेमाघरों में सुबह से ही टिकट की काफी लंबी कतार सिनेमाघरों में देखने को मिली, तो कई दर्शकों को दूसरे शो का भी इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में टिकट ब्लैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भोजपुरी दर्शकों को डमरू बेहद ज्यादा पसंद आई है। अब देखना यह है कि आगे के दिनों में खेसारी लाल यादव का डमरू कितने दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर छाया रहता है।